आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज मैं आपको बताने वाली चमकी बुखार के बारे में। देखिए, डेंगू के साथ डेंगू तो इस टाइम बहुत फैल रहा है और उससे अपना बचाव करें उस पर मैं काफ़ी बोल भी चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, कैंप लगा चुकी हूँ। पर एक चमकी बुखार के भी एक दो केसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी, कुछ दवाइयाँ बताना चाहूँगी जिससे कि आप लोग अपना इलाज सही समय पर करा सकें। चमकी बुखार आखिर है क्या? चमकी बुखार में क्या होता है, तेज़ बुखार आता है, बच्चों के शरीर में ऐंठन होती है, इसके बाद तंत्रिका तंत्र जो है काम करना बंद कर देता है। इसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, बेहोश होने लगते हैं, तो उसमें बेहोश हो जाते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं पेशेंट को। इसको हम कहते हैं अक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम। इसमें दिमागी बुखार होता है चमकी बुखार। इसमें क्या होता है, खून जो होता है उसमें शुगर और सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने लगती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है पेशेंट को, जिसकी वजह से बच्चों को लकवा या फिर मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। एनसेफलाइटिस जो होती है मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की जो नसें या कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है या फिर कोई अन्य दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। इसे हम एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। अब चमकी बुखार में वायरस जब शरीर में पहुंचता है तो हमारे शरीर में जाके जो उसका प्रजनन शुरू हो जाता है वो बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर में जो होती है कमजोरी आने लगती है बच्चे को और उल्टी जैसा होता है और खाने पीने में उसको दिक्कत होने लगती है और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वो अपना सिर भी उठा नहीं पाता, उसको तेज़ सिर में दर्द होता है। अब इसमें क्या करें, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आया है तो एक तो उसके ठंडे पट्टी पानी की पट्टी रखें, उसके सिर पर पानी पिलाएं, उसे पूरे शरीर को ठंडे पानी की पट्टी से पोंछें, पंखे में लिटाएं, पंखे जो है खुली हवादार में लगाएं। अगर बच्चे ने बहुत सारे कपड़े पहने तो उसके कपड़े जो है कम कर दें। बच्चे के मुँह से झाग या लार निकल रही तो उसे बराबर पोंछते रहें, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, अगर आप डॉक्टर के पास ले जाएँ तो बच्चे को जो दाएँ या बाईं तरफ करवट में लिटा कर ले जाएँ, उससे जो है उसको आराम मिलेगा। और हवादार जगह पर रखें, तेज़ धूप में बच्चे को ना ले जाएँ। बच्चे को जो है बुखार की हालत में दो बार स्नान कराएं, छाछ खिलाएं, खरबूजा खिलाएं, नमक चीनी का घोल पिलाते रहें, ORS का घोल पिलाएं। रात को बच्चे को खूब अच्छे से खाना खिलाकर ही, पेट भर के खाना खिलाकर ही सुलाएं। दूसरा, सफाई का ध्यान दें। चमकी बुखार या जो हमारा दिमागी बुखार है वो गंदगी की वजह से ज़्यादा फैलता है, उससे ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन करता है, तो इसलिए सफाई का ध्यान आसपास जरूर रखें। दूसरी बात, इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, एक है बेलाडोना 200 जो है चमकी बुखार की फर्स्ट स्टेज में अगर दे दिया जाए तो मरीज को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, हेलीबोरस मेडिसिन है, जो कि सेकेंड स्टेज में, अगर किसी वजह से आप फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं तो सेकेंड स्टेज में हेलीबोरस को दें, जिससे कि उसके जो मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, मिर्गी के दौरे वगैरह कम पड़ेंगे बच्चे को, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, फॉस्फोरस लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में हम देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि जब सेल्स का डीजनरेशन शुरू हो जाता है और जहाँ पे पैरालिसिस और मिर्गी के दौरे की कंडीशन आ जाती है या ब्रेन की जो सेल्स उनका डीजनरेशन होने लगता है, तो वहाँ पे फॉस्फोरस जो 200 है होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छा वर्कआउट करती है चमकी बुखार को कंट्रोल करके। बेलाडोना, हेलीबोरस और फॉस्फोरस बहुत अच्छी और बेस्ट मेडिसिन है, इनका ट्रीटमेंट पर जरूर यूज़ करें तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। दूसरी बात, एकोनाइट, जलसीमियम, नक्समामिका, आर्सेनिक, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन जो इसमें ट्रीटमेंट में दी जाती है, अपने आसपास डॉक्टर्स हैं होम्योपैथिक तो उनसे कंसल्ट करके तुरंत से तुरंत बच्चे का इलाज कराएं और हर डिजीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए अवेयर हो। धन्यवाद।